फैसल बिन अब्दुल अजीज आले साहू 14 अप्रैल 1905 को पैदा हुए। शाह फैसल बचपन से ही समझदार और अकलमंद इंसान थे, जिसकी वजह से उनके वालिद अब्दुल अजीज इब्न सऊद उन पर बहुत भरोसा करते थे। जब आले सऊद ने अरब फतह करने का फैसला किया तो एक लश्कर शाह फैसल की कमान में भी हिजाज फतह करने के लिए भेजा गया, जो कामयाब हुआ। बाद में शाह फैसल हिजाज के गवर्नर बन गए। शाह फैसल की फतवाहत और अकलमंदी की वजह से उनके वालिद ने उन्हें अपना जानशीन बना लिया और वो सऊदी अरेबिया के वजीर आजम बन गए। अब्दुल अजीज इब्न सऊद के इंतकाल के बाद शाह फैसल बादशाह बने। शाह फैसल का दौर सऊदी अरेबिया की तरक्की का सबसे तेज दौर था। इस दौर में अरब में कई स्कूल्स, फैक्ट्रीज और हॉस्पिटल्स बने और देखते ही देखते सऊदी अरेबिया इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। शाह फैसल ही की कोशिश की वजह से ओआईसी की बुनियाद रखी गई, जिससे इस्लामी रियासतें मुत्तहिद हुई। 25 मार्च 1975 को शाह फैसल को उनके भतीजे ने ही गोली मारकर शहीद कर दिया।